अब मौका आ चुका है सर को सरप्राइज देने का। मौलाना साहब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर आए, चाबी दी, गाड़ी तो तनवीर भाई आप अपने हिसाब से बनाना, उसके बाद ही मुझे रिवील करना, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और बिलीव मी, अभी तक उन्होंने गाड़ी देखी नहीं है, बॉडी कवर आपके सामने लगा हुआ है। और एक चीज़ है, दिवाली ऑफर, जितनी वी लाइन बनेगी ये बॉडी कवर भी शानदार साथ में दूंगा, क्योंकि गाड़ी इतनी मैंने शानदार बनाई है तो कवर तो करनी पड़ेगी, और कोई लोकल वगैरह नहीं दूंगा, इसकी MRP है, वो वाले बॉडी कवर साथ में दूंगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सर को एक रिवील करते हैं कि किस तरीके से हमने गाड़ी बनाई हुई है। पहले हमें एटिका को इस तरीके से मॉडिफाइड करना पड़ता था कि जब लाखों एटिका रोड पर चले तो हमारी एटिका का स्टैंड आउट आना चाहिए, लेकिन अभी हमें अपनी वी लाइन को इस तरीके से मॉडिफाइड करना पड़ता है कि इसकी रेपिटेशन ना हो और कस्टमर ने जो खर्चा किया है उसे वर्थ इट लगे। तो प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं एटिका सुपर स्पोर्ट्स इन डार्क एडिशन। एटिका सुपर स्पोर्ट्स मीन एटिका SS। एक एटिका है इंडोनेशिया में एटिका FF और दूसरी एटिका है SS जो इंडिया में है। ये डार्क एडिशन इसका नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये पूरी कार में मैंने एक भी क्रोम इंस्टॉल नहीं किया है, पूरी कार है डी क्रोम दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है मुझे ज़रूर बताना। एलॉय व्हील देख के तो आप समझ ही गए रहेंगे कि कुछ ना कुछ फिर से धूम धड़ाका है, डार्क एडिशन नाम दिया हुआ है आप लोगों को तो एलॉय व्हील भी तो डार्क एडिशन का रहेगा। मैंने एर्टिका में इतने सारे एलॉय व्हील इंट्रोड्यूस और लॉन्च किए हैं, एर्टिका कार ही ऐसी है, इसे लिमिटलेस एसेसरीज में बोल सकता हूँ, जो भी लगाएंगे परफेक्टली लगाएंगे ना, अच्छा लगना ही लगना है। ये कार में 16 इंचेस के डार्क एडिशन के अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किए हैं। वाइट कलर की कार और डार्क एडिशन के अलॉय व्हील स्टैंड आउट कुछ अलग ही है। कैलिबर भी हमने सेटिन रेड किया हुआ है इसमें, लेकिन साइड प्रोफाइल एक 5 सेकेंड आप एडमायर करके देखिए, डार्क एडिशन के अलॉय व्हील 2-टोन विथ द इंडोनेशियन साइड की बॉडी किट का किस तरीके से स्टैंड आउट आता है। साइड की जो हम बॉडी किट लगाते हैं, अगर मैं बोलता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट है तो वन ऑफ माई फेवरेट है। मिरर के कवर्स हमने रिप्लेस किए हैं स्पार्कलिंग ब्लैक, हैंडल्स भी हमने स्पार्कलिंग ब्लैक कलर के किए हैं, और यस एक वेंट्स हमने इंस्टॉल किया है और एक लिड में हमने स्पार्कलिंग ब्लैक कलर किया हुआ है। और स्टैंड आउट आप लोगों के सामने 2-टोन तो ऑब्वियसली करेंगे, और एक रूफ रेल भी हमने इंस्टॉल की है। लेकिन दोस्तों ये कार मैं बोल सकता हूँ वाइट कलर वन ऑफ माय फेवरेट मैंने मॉडिफाई की हुई है, क्योंकि इतना मज़ा आया ना ये कार मॉडिफाई करने में, कोई क्रोम नहीं, कोई डोर वाइजर नहीं, लेकिन स्टैंड आउट कुछ अलग है। जब SS बोला है, सुपर स्पोर्ट्स एडिशन का नाम दिया है, तो कुछ ना कुछ तो धमाका हम करेंगे ही। फ्रंट प्रोफाइल में हमने कस्टम्स जो DRLs आती है, कस्टम हेडलाइट्स इसका नाम हमने दिया हुआ है, क्योंकि इसका इनर प्रोफाइल जो आता है ब्लैक कलर का आता है। क्रिस्टल DRL इसका स्टैंड आउट कुछ अलग ही है, अलग अलग कलर्स है, अलग अलग मोड्स है। ग्रिल भी हमने रिप्लेस की है, इसमें क्रोम ग्रिल लग के आती है, इसे डार्क पियानो ग्रिल हमने इंस्टॉल की है। लेकिन दोस्तों मेन इसका स्टैंड आउट ही जो इंडोनेशियन बॉडी किट है, वाइट सेटिन एंड ब्लैक कलर के साथ है दोस्तों। अगर मैं बोलता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट है, इसकी फिटमेंट फिनिशिंग स्टैंड आउट कुछ अलग ही है। जो इसके प्लास्टिक के जो ट्रिम्स है, फोक लाइट्स, ग्रिल, उसे भी हमने स्पार्कलिंग ब्लैक कलर का किया हुआ है, क्योंकि मेरा एक ही रहता है, क्योंकि 100 एटिका चले हमारी एटिका पहचाननी चाहिए कि ये बिग ऑटो से मॉडिफाई हुई है, क्योंकि ना ओवर अंडर मॉडिफिकेशन रहती ही नहीं है। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल जो है धमाका 3 चीज़ें नहीं, अभी 4 चीज़ों से बनाता है। स्टनिंग इंडोनेशियन स्पॉइलर है, इन्फिनिटी टेल लाइट्स है, इंडोनेशियन बॉडी किट है, और ये कार में हमने वाइपर भी इंस्टॉल किया। ये VXI कार है, इसमें वाइपर नहीं लग के आता है, हमने वाइपर भी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन दोस्तों एक स्पॉइलर, स्टनिंग स्पॉइलर,
इसका स्टैंड आउट, इन्फिनिटी टेल लाइट्स इसका स्टैंड आउट, और जो बॉडी किट है, अगर जब मैं हर वक्त बोलता हूँ एंड टू एंड रबर पैकिंग के साथ हम इंस्टॉल करते हैं, तो ये आप लोगों के सामने है वाइट सेटिन एंड ब्लैक कलर की जो हमने बॉडी किट इंस्टॉल की है, और वाइपर की वे ऑफ वर्किंग भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। अब आते हैं वाव फैक्टर। वाव फैक्टर अब अलग है, इंटीरियर के साथ साथ ये मैं बोलूँगा इंडिया की फर्स्ट एटिका रहेगी जिसके अंदर जो एम्बियन लाइटिंग भी है एक डिफरेंट तरीके से हमने इंस्टॉल की हुई है। एम्बियन लाइटिंग या तो ऊपर या तो नीचे आप देखते हैं, ये सेंटर में सैटिन एंड ब्लैक के सेंटर में हमने इंस्टॉल की हुई है। इसमें भी जो सेंटर पीस है ब्लैक एंड सैटिन के सेंटर में हमने एक्टिव एम्बियन लाइटिंग इंस्टॉल की है। इसी के लिए मैं बोलता हूं ना मेरे पास इंजीनियर्स है। अब आते हैं द मसल स्टेयरिंग में। दोस्तों मसल स्टेयरिंग में जो आपने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ये फील है कार का। जो स्पोर्ट्स अगर मुझे लुक फील चाहिए तो ये मसल स्टेयरिंग ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। स्पार्कलिंग ब्लैक सैटिन एंड हॉर्न पैड की भी आप फिनिशिंग हमारी चेकआउट कर सकते हैं। द वॉल्ड रॉफ जर्मन लेदर की डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग की हुई है 3 कलर्स में। पिल्लर भी हमने रैप किए हुए हैं, पिल्लर ए बी एंड सी। सनग्लास होल्डर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, सनग्लास होल्डर भी हमने ये कार में इंस्टॉल किया है परफेक्टली। लेकिन जो इंटीरियर एनहेंस कब होता है दोस्तों, जब हम टॉप ब्लैक कलर का करते हैं जो सॉफ्ट ब्लैक कलर का आता है। सीट कवर द सुप्रीमो एडिशन सीट कवर टॉप गियर के क्रैनबेरी एंड वाइट कलर के हमने इंस्टॉल किए हैं। एक एक फिटमेंट फिनिशिंग बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि ये एटिका VXI CNG कार है। बाहर से क्या अंदर से क्या जो लग्जूरियस लुक मिल रहा है कार का इस नेक्स्ट लेवल। इंटीरियर स्टाइलिंग किट 2-टोन ब्लैक एंड सैटिन विद द एक्टिव एम्बियन लाइटिंग के साथ, चारों डोर में लेदर रैपिंग, सेम कलर की मैट्स हमने इंस्टॉल की हुई है, लैमिनेशन हमने नहीं किया है। कफ प्लेट्स फुल वाली लगाई है लेकिन कस्टमर को लाइट नहीं चाहिए थी तो हमने लाइट का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। एक एक क्लस्टर की लेदर रैपिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कार में जो हमने प्लेयर इंस्टॉल किया है ब्लॉपंग का विद द 360 बर्ड व्यू के साथ है, आप प्रॉपरली आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों विद द 360। ये फ्रंट का है व्यू आ रहा है, ये रियर का है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। दोस्तों अगर 360 की भी रिक्वायरमेंट है तो हम ब्लॉपंग में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 360 इंस्टॉल किया हुआ है। अब आते हैं वाइपर पे। आप वाइपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, परफेक्टली हमने इंस्टॉल किया है विद द कॉम्बिनेशन स्विचेस के साथ, लेफ्ट भी और राइट भी। जो फोक लैम्प्स भी हैं हमारे जो ZXI प्लस में जैसा आता है राइट एंड लेफ्ट, हमने इंस्टॉल किया है। ये ऑन है वाइपर, ये वाटर का भी आप फ्लो चेकआउट कर सकते हैं, ये परफेक्टली पूरा वर्क होता है। अगर कोई भी चीज हम लगाएंगे तो परफेक्ट ही लगाएंगे, और ऑफ करने के बाद जो उसकी मूवमेंट है परफेक्टली जहां रुकना चाहिए वहां ही रुकेगा। 360 केनवुड के चारों कंपोनेंट, द प्रीमियम डैम्पिंग हमने की है। दोस्तों आप बाहर से देखिए अंदर से देखिए VXI, अब तो ये वीडियो के बाद तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि एटिका भी हमारी कोई बजट कार है। अब आते हैं रियर डोर में। एक एक हमारी लेदर रैपिंग जो हमने इंटीरियर स्टाइलिंग किट है, सीट कवर, सेंटर पीस की आप चेकआउट कर सकते हैं, मैटिंग जो है हमारी, एंड ऑल द 3 पिलर्स ए बी एंड सी हमने लेदर रैप हमने किए हुए हैं ये कार के अंदर। दोस्तों जब मैंने द सुपर स्पोर्ट्स SS बोला हुआ है तो कोई चीज़ में कमी नहीं रखेंगे। क्रिस्टल DRLs विद द एक्टिव एम्बियन लाइटिंग, इंडोनेशियन बॉडी किट, लेकिन अलॉय व्हील, और एक चीज है खास बात, ये बॉडी से फ्लश आते हैं, बॉडी से बाहर नहीं आते हैं, ये ही खास बात है। अगर मैं कोई भी अलॉय व्हील लगाऊंगा, मैं ऐसा कोई भी नहीं लगाऊंगा जो बॉडी से बाहर आ सके। दोस्तों ये माइक आपका, ये रॉ वीडियो बनेगा, बहुत बहुत दिल से इनकी कार के अंदर मैंने मेहनत भी की हुई है, क्योंकि इतना भरोसा आए, गाड़ी की चाबी दी, तनवीर भाई मुझे 6 घंटे में आप वी लाइन बनाते हो, मुझे मालूम है मुझे 6 घंटे में नहीं चाहिए, मैं अगले दिन आऊँगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। ये चीज़ आपके सामने है जो मैंने प्रेजेंट की है बिफोर, ये देख चुके हैं,
सिर्फ फ्रंट प्रोफाइल है, एलॉयज आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। ये जो तनवीर सर हैं, ये जो इनके किस ज़बान से मैं तारीफ़ करूँ, कुछ कह नहीं सकता मैं। बस ऐसा है कि क्या कहें भाई, अल्लाह ताला इनको वर्ल्ड फेमस कर दे, उनको ऐसा बना दे कि बस आगे तरक्की ही तरक्की करते जाएं। मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बहुत इतनी खूबसूरत लगी कि कुछ का तारीफ ही नहीं बयान कर सकता, बस ये हाल है। अभी बात में पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से, फ्रंट आप देख चुके हैं, साइड में एलॉय, अगर मैंने डार्क एडिशन बोला है सर ने वो भी नहीं बोला कि क्या लगाना है क्या नहीं है, एक एक एलॉय इनके सामने है, वेंट्स है, ये चीज़ आप देखो बहुत बारीकी चीज़ है, एक एक स्पार्कलिंग में भी बहुत हमारी मेहनत लगती है, ये कोई रेगुलर वो सब काम नहीं है। लेकिन आप इंटीरियर देखो पहले, और मैं और एक चीज बोलूंगा, जाते जाते सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, बात पैसे की बात नहीं है। मैंने वीडियो में भी बोला इंडिया की फर्स्ट एटिका है जो मैंने एक्टिव एम्बियन लाइटिंग जिस तरीके से लगाई हुई है, ऐसी कोई भी नहीं लगा के दे सकता है, क्योंकि या ऊपर या नीचे या साइड में दो, इसके अंदर बीच में, मैं इसी के लिए बोलता हूँ मेरे पास इंजीनियर्स हैं, आप एक एक चीज एक एक इसके अंदर फिटिंग फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। आप आइए तो रौनक बढ़ेगी, आइए आप आ जाइए जल्दी से, रौनक बढ़ेगी, अंदर बैठ जाइए आप, तशरीफ लाइए, आपके साथ बैठता हूं। हाँ तशरीफ लाइए। अभी कोई नहीं बोल सकता है ये एटिका हमारी बजट कार है, ये लग्जूरियस का कॉन्सेप्ट हमने टोटली चेंज कर चुके हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है, एकदम ऐसा क्या कहें, बस उसके बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है, ये आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों की ब्लेसिंग है। मैं पीछे भी आपको बताता हूँ आई। और एक चीज़ क्या बोले मौलाना साहब को, मेरे को खुद को आज इतना अच्छा लग रहा है इनको प्रेजेंट करते हुए, क्योंकि कोई आए कोई कलर कॉम्बिनेशन पसंद करे, कोई एलॉय कोई तो पसंद करे, बॉडी किट क्या है, स्पॉइलर क्या है, डू वॉट एवर, मतलब आज मैं जाना, इतना भरोसा इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया हुआ है पीछे की। अल्लाह आपके हाथ में और ऐसी करामत दे कि लोग आपके कदम चूमे, आपके अल्लाह ताला तनवीर सर के कदम और हाथ चूमे अल्लाह ताला। थैंक यू सर, जो ब्लेसिंग जो कमाल करती है ना, वो काम पैसा और वो सब चीज़ें नहीं रखती है, क्योंकि मुझे काम भी ऐसा करना है और जो कस्टमर मुझे पैसे भी देंगे इतनी पॉजिटिविटी के साथ आने चाहिए जो मुझे बरकत देवे वो वाली चीज़ में। अभी बाद मिलते हैं, थैंक यू। ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट एटिका स्पोर्ट्स आप लोगों के सामने है, दिल से वाइट कलर की कार है, पूरी कार डी क्रोम करना, एक भी क्रोम की एसेसरीज नहीं इंस्टॉल करना, फिर भी स्टैंड आउट आप लोगों के सामने लेके आना, यही आप लोगों का प्यार है, यही आप लोगों का सपोर्ट है जो एटिका में आपने दिया हुआ है। ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।